हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया, चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ना, इसमें हम पढ़ेंगे किसी कंडक्टिंग वायर को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, ठीक है? और उस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ओके? तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये आपका मतलब आगे वाले जो कॉन्सेप्ट सब है ना, उसका मूल आधार है। तो इस पूरे लेक्चर को अच्छे से बारीकी से समझ समझ के देखिए, जहां समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करिए और फिर देखिए। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यहाँ पर इतना बज के इतने मिनट में आप क्या बोले, हमको समझ में नहीं आया। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं, ठीक है? वो कर 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 ही थोड़ा सा उसको परफेक्शन आता, परफेक्ट तब भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो लेक्चर देखने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रही है पता ही नहीं है। भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है वो तो लिखो, तब तो टीचर को पता चलेगा कि सर ये समझ में नहीं आया। तो क्या समझ में नहीं आया, उस टॉपिक का नाम लिखो, उस मिनट पर कौन सी मिनट पर प्रॉब्लम हो रही है, तो टीचर समझेगा उस चीज को, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको एक्सप्लेन भी करेगा, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन हो। अपने चैनल पर उतना ज़्यादा अभी है भी नहीं कोई स्टूडेंट्स ज़्यादा, तो अपन आसानी से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आगे आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक ये जो है वो इंटरेस्टिंग है, क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो भी क्लियर है। तो अब डेरिवेशन करते हैं, आइए शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है, एक कंडक्टर है एल लेंथ का, ये PQ कंडक्टर है, एल लेंथ का कंडक्टर है, एल है यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है? अब इस एल लेंथ का कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, ठीक है? और इसको जब रखते हैं ना ऐसे, तो ए कुछ एंगल बना रहा है, सर्टेन एंगल बना रहा है, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। और इसके साथ यहाँ पर ये एंगल बना रहा है, ठीक है? अब ये जो एंगल बनाएगा ना प्यारे बच्चों, ये जो एंगल बना रहा है वो कितना है? थीटा है। करंट का जो डायरेक्शन है वो कितना, कैसे? इधर आई ऊपर की तरफ, पी से क्यू की तरफ, ओके? पी से क्यू की तरफ आई का फ्लो जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ओके? इसको ना थोड़ा सा रेड से ही कर देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छे से चमक देगा, ठीक है? चलो, ये आई करंट फ्लो होगा वैसे, ठीक है? अब यहां पर आई का डायरेक्शन किधर से किधर है? पी से क्यू, ओके? अब आपको निकालना है इसमें किस पर फोर्स कितना लगेगा। तो हमने कुछ चीजें लिख रखा है यहां पर, देखो एल लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो चार्ज इसमें फ्लो होगा उसको हमने क्यू मान रखा है, क्यू चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, एंड टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल टू वॉल्यूम। ये क्या होगा देखो, अगर मान लो एन टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है तो ए इंटू एल, नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जब लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या निकलता है? वॉल्यूम निकलता है। तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इज रिटेन एज एन अपॉन ए इंटू एल। तो यही है, स्मॉल एन को लिखते हैं यहाँ, क्लियर है? चलो क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना है? ये क्यू, क्यू चार्ज फ्लो होगा, तो फोर्स जो लगेगा, क्यू चार्ज फ्लो होगा तो फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा? क्यू वी डी क्रॉस बी। यही यहां पर हम ये मान रहे हैं कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का हम वेलोसिटी ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? क्यू वी डी क्रॉस बी। अब ये क्यू वी डी बी साइन थीटा, क्योंकि इसके साथ एंगल कितना होगा? थीटा डी। नहीं, ये जो थीटा है क्या है? करंट के साथ इसके एक्सिस जो है कंडक्टर का एक्सिस, उसके साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल है, या लेंथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड का क्या एंगल है? यही तो है लेंथ। इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाता है, या मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेंथ कितना एंगल बनाता है, बात एक ही, वो कितना है? थीटा है, ठीक है? क्लियर है? अब ए क्यू वी डी बी साइन थीटा, इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ेगा तुम देखेगा यहां पर वी डी इक्वल टू क्या लिखेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ठीक ही है। यहां पर क्यू इक्वल टू क्या लिखेगा, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इंटू एलिमेंट्री चार्ज, कहां पढ़ा था? क्वांटाइजेशन में, नहीं? और क्वांटाइजेशन में जो चीज पढ़ा है वो एक बार क्या है, बहुत पुराना हो गया था, एक बार क्या करना चाहिए, उसको रिवाइज कर लेंगे कभी कभी,
ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बार बार बोल रहा हूं, एक बार रिवाइज कर देख ले उसको। अब यहां पर ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी किसका है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स का हम वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक है। वो भी तो मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो इसलिए हम यहां पर चार्ज क्यों ले रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो एज्यूम करें ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो यहां पर क्यू इक्वल टू एन टू वी हो गया। अब ये देखो इधर, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डिराइव करके आपको बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए एन इन टू, देखो एन को क्या लिखोगे, ए इन टू एन इक्वल टू क्या होगा, एन इन टू ए इन टू एल, तो यहां पर क्या हो जाएगा एन ए एल इन टू ए, ये क्यू है। और इसी क्यू की वैल्यू लिखनी है क्या, यहां पर फोर्स इक्वल टू क्या लिखेगा, देखो एन ए एल ई, ये क्यू की वैल्यू है, और ये सामने क्या लिखोगे वी डी बी साइन थीटा, तो एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी एल बी साइन थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आई बात है। और ये जो है ना तूने पढ़ा है आई इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी, ये तो होता है, तो एन ई ए वी डी, तो तुम क्या लिखेगा यहां पर I इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या होगा आई एल बी साइन थीटा। एक काम करो इधर नीचे दिखेगा नहीं ज्यादा तुमको, पढ़ाओ यहां पर, ये जो है ना इसको क्या लिखेंगे एफ इक्वल टू आई एल बी साइन, दिक्कत वाली बात। अब देखो ये जो है ना एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, यहां पर एल जो है ना ये वेक्टर लेंथ, वेक्टर लेंथ कहने का मतलब यहां से कि इस पर्टिकुलर लेंथ की डायरेक्शन है, करंट वेक्टर नहीं है, ये जो लेंथ है ना ये इसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ बोल सकते हो, यहां से यहां तक का जो होगा लेंथ उसको लेते हैं, ठीक है। देखो एक बार समझ लो, यहां पर तुमको समझ में नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये करंट कैरिंग वायर, तो यहां से यहां तक का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा ना वो कंसिडर होता है, ठीक है। तो ये जो है ना यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट लेंथ, ये तो स्ट्रेट टेढ़ा तो है ना, ये तो ये था सेमी सर्कल टाइप का, तो ये इसका एल लेते हैं। अब देखो यहां एक क्रॉस क्वेश्चन आता है, क्रॉस क्वेश्चन क्या बच्चे पूछते हैं वो समझ लो, बच्चे ये पूछते हैं कि सर बी क्रॉस आई एल क्यों नहीं लिखे, आई एल क्रॉस बी क्यों लिखते हैं। तो देखो आई एल क्रॉस बी ये जो है ना यहां पर पहले ये समझो कि फादर मदर चाइल्ड का क्लियर कॉन्सेप्ट है, ये फादर ये मदर और ये चाइल्ड, ठीक है। फादर मतलब फोर्स, ये मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और सी मतलब करंट। अब इसको जैसे ही तुम रखोगे ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट फ्लो हो रहा है, तो फोर्स क्या लगेगा अंदर की तरफ, ओके। और तुम अगर आई एल क्रॉस बी लगाओ, ठीक है, आई एल क्रॉस बी, तो मैं फोर्स किधर लगेगा ऐसे, ये चीज देखा है राइट हैंड थंब रूल, ये देखे हुआ है, ऐसे भी फोर्स निकालते हैं, बस यही एक बाण है रामबाण, वो तुमको पढ़वाता नहीं जाता, ठीक है। बुक में लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल, क्या क्या सब पढ़ाता है, तो जितने चीज पढ़ाता है वो सब पढ़ा करके कंफ्यूज और कर देता है। चलो कोई नहीं, देखो इधर यहां पर हमेशा याद रखना ये चीज को, अगर मानो तुमको कोई एक वेक्टर दिया हुआ ए और ये वेक्टर है बी, और इसको हम लिखे क्या ए क्रॉस बी, तो कैसे लिखेंगे ए क्रॉस बी, अंदर की तरफ होगा, थम का डायरेक्शन किधर पॉइंट करेगा अंदर की तरफ, तो वैसे ही है फोर्स क्या होगा अंदर की तरफ होगा, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाला है अंदर की तरफ, और ऐसे भी आई एल क्रॉस बी करके भी निकाल रहा है किधर अंदर की तरफ। आई एल क्रॉस बी कैसे होता है, देखो जिस डायरेक्शन में पहला वेक्टर होता है उसके लॉन्ग तो फिंगर को कर देते हैं, और ये पाम जो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग होगा, और अब इसको कर्ल करेंगे तो अंदर ये थम क्या बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, क्लियर है। तो वैसे ही चीज यहां आई एल क्रॉस बी, ओके okay, अब हमें क्या करना है इसका स्पेशल केस देखना है। ये तो क्लियर हो गया तुमको, हमने प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही कंसीडर किया है, कोई चाहे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंसीडर करेगा तो भी कर सकता है। आप देखो इधर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंसीडर करने पर भी सेम ही आएगा रिजल्ट, मैं थोड़ा सा होमवर्क कर देता हूँ यहाँ, समझ जाओ बात, अगर तुम्हारे अंदर क्रॉस क्वेश्चन होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर जैसे ही तुम इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोगे ना, तो क्यू वी डी
बी साइन कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो उसका भी होगा, इलेक्ट्रॉन का भी होगा, तो क्यू बी डी बी साइन थीटा, और क्यू बी डी बी साइन थीटा इतना हो जाएगा। और जितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उतने से कहते हैं प्रोटॉन्स। करंट का डायरेक्शन तो क्या है, करंट को मानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल फ्लो तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो। अब देखो ये जो है ना, इतना तो है, और इसमें क्या करना है, क्यू इक्वल टू क्या लिखेगा, एन इंटू ई वी डी बी साइन थीटा, और एन की जगह पर ए एल इंटू एन, या एन इंटू ए एल इंटू ई वी डी बी साइन थीटा। ये चीज तो है, ये कहाँ से आया एन का वैल्यू, अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तुझे 1 मिनट देखेगा, 2 मिनट देखेगा, समझेगा, समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अब देखो ये एन इक्वल टू क्या लिखा है, एन इंटू ए इंटू एल, तो एन स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल इंटू वी डी वी साइन थीटा। अब ये साइन थीटा इतना हो गया, तो इस चीज को भी तो क्या लिख सकता है, एन ई ए वी डी, इसमें से सिलेक्ट कर लो, एन ई ए वी डी आई एल बी साइन थीटा, ये चीज तो है आई एल। ओके, और आई एल क्रॉस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सॉरी यहां पर फोर्स लिखना था ना, तो करंट लिख दिया, चलो फोर्स। ओके, तो ए आई एल क्रॉस बी, बात एक ही हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। अब चार्ज का तुम साइन कंसिडर करता नहीं, कि हम सर ई इलेक्ट्रॉन के जगह पर चार्ज का साइन ले लो, साइन चार्ज का साइन ले लो, लेकिन चार्ज का जब तुम साइन लेगा ना, यहाँ पर माइनस लेगा, ठीक है, तो तुमने आई की वैल्यू आई की जगह तो लेगा नहीं, तो तुमने आई जब निकाला था एन ई ए वी डी एन ई ए वी डी, वहां पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का साइन तो लिया नहीं था, मैग्नीट्यूड ही लिया ना था, तो इसलिए तुम यहां भी आई इक्वल टू एन ई ए वी डी लेगा, इसमें एन ई ए वी डी एल को बाहर निकाल लो। ओके, देखो मैं ऐसा कर देता हूँ, एक बार रफ करके क्लियर कट समझाई दो, बार बार कर लफड़ा खत्म ही करो। देखो एन ए एल इंटू ई वी डी बी साइन थीटा, ओके, एन ई ए वी डी एल बी साइन थीटा, और आई ये जो चीज होगा ना क्या होगा, आई एल बी साइन थीटा, समझ में आई बात है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन का साइन यहां पर लेता माइनस ई, तो तुम जब करंट का डेरिवेशन किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है, पहला लेक्चर होगा, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो लेक्चर होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड चैप्टर वाला, उसमें ये किया हुआ है, तो वहां पर तुम माइनस साइन कंसिडर नहीं किया हुआ था इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए तुम यहां पर माइनस नहीं लिखा। ओके, या माइनस यहां पर लिखेगा तो यहां भी लिखो माइनस आई ही आएगा, तो बात तो एक ही हो गई ना, या तो इलेक्ट्रॉन को लेके बनाओ या फिर पॉजिटिव चार्ज को लेके बनाओ, आनी तो फोर्स की वही वैल्यू है। क्लियर कट, अब चलो क्लियर कट आ गया ना, तो आगे बढ़ो, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस में क्या है कि बताया ही था, स्पेशल केस किसी भी मुख्य टॉपिक्स का, फिजिक्स का क्या है, मौलिक अधिकार है, कोई भी मुख्य टॉपिक होगा ना उसमें स्पेशल केस आता ही है। तो चलो पहला चीज क्या है, पहला चीज है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180। क्लियर करो इसको, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये जो करंट का डायरेक्शन है ना अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एस है, या फिर अपोजिट टू है मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों केस में तू जानता है ये आई एल जो साइन थीटा है ना, ए आई एल, ये आई एल बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी हुई 0, ठीक है। और इसी को ना तुम एक तो ये याद रखो, इसको शॉर्ट में ना बिल साइन थीटा बोलते हैं, बिल साइन थीटा का मतलब होता है बी आई एल साइन थीटा, मतलब क्या होता है, मतलब तो यही है मैग्नेटिक फील्ड करंट और एल, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में जैसे मुन्नी बताया था ना, मुन्नी बदनाम हुई साइक्लोट्रॉन में, वैसे ही है बिल साइन थीटा यहाँ पर फोर्स। क्लियर है, अब ये क्लियर है ना तो आगे बढ़ो, ये वेन थीटा इक्वल टू 0 180 डिग्री, और दूसरा जो है ना वेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, ये देख इधर, फोर्स इक्वल टू बी आई एल साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 बी आई एल, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, बिल बी आई एल,
वो क्या क्या है, मैक्सिमम फोर्स है। अच्छा यहां पर एक दो बात नोट देके लिखो, नोट देके क्या लिखना है कि ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ कहने का मतलब देखो, डिस्प्लेसमेंट लेंथ कहने का मतलब ये है कि मान लो ये सेमी सर्कल होता करंट जिसमें फ्लो होता है, तो ये जो लेंथ होता ना, ये वाला जो लेंथ, ये मान लो 2r होता, यहां से यहां तक का रेडियस क्या है r है, तो ये 2r हो जाता, तो इसका जो डायमीटर होता वो हम l की जगह पर लेते हैं, ना कि ये वाला लेंथ लेते, ये करंट फ्लो हो रहा है ठीक है, ये लेंथ नहीं लेते, ये वाला जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है ना वो लेते हैं ठीक है। तो इसको रफ करके मैं लिख देता हूं क्या इसका मतलब, नोट देके इस बात को हमेशा याद तुम रखो ठीक है, और उसके बाद इस पर वेस्ट एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते प्यारा सा। अच्छा इसका जो डायरेक्शन निकालेगा फोर्स का वो किससे निकालेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लो, या चाहे तो तुम ये राइट हैंड थंब रूल लगा दो, यहां पर राइट हैंड थंब रूल फोर्स निकालने के काम में ले रहे हैं। एक ही चीज, राइट हैंड थंब रूल से तो क्या निकालता था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालता था, नहीं आइडियल क्लॉस आर करके भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकलता था, तो वैसे ही तुम फोर्स का भी डायरेक्शन इससे निकाल सकते हैं, एक ही रूल जानो सब चीज निकालो, ऐसा है। आइडियल आइडियल मतलब आईएल क्रॉस बी निकाल के फोर्स का डायरेक्शन थंब देगा, आइडियल क्रॉस निकाल आर निकाल करके क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड का डायरेक्शन निकाल लेंगे ठीक है, फोर्स भी निकल सकता है फील्ड भी निकल सकता है ठीक है। अब ये चीज तुम सोचेगा कि एक बार सुन ले अभय सर से और हमको जिंदगी भर याद हो जाए, ऐसा नहीं होगा, इसको तुम बार बार रिपीट करना पड़ेगा, नोट्स जो बनाया उसको रिवाइज करना पड़ेगा, टीचर से डाउट पूछना पड़ेगा, इतना आसान रहता तो बात ही क्या थी ठीक है। इतना इतना बच्चा सब बैठता है, इतना साल पढ़ाते पढ़ाते हो गया, एक स्वप्न हमको है कि मतलब स्वप्न क्या है, एक हमारा अंदर से डिजायर है हमारे बच्चों को 100 out of 100 आए, इतना मेरिटोरियस बच्चा सबको 99 आया हुआ है, 100 एक नंबर काट ही लेता है, नई बात है। तो मेहनत करना पड़ेगा, एकदम सोचेगा कि सोते सोते सारा चीज हो जाए, मुश्किल है, मेहनत करो ठीक है, परिश्रम करो, कोई नहीं हो जाएगा, परिश्रम से सब कुछ हो जाता है, तो परिश्रम करो ठीक है। ये समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया, क्या सर से पूछना है, ये मत कमेंट सेक्शन में लिखो कि समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया ये लिखो ठीक है, तब कुछ सोचा जाएगा। चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं, देखो वेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बिल हो ही गया, अब इसको रफ करो और आगे कुछ नोट डाल के क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छा वाला जो आता है मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं उसको, उसके प्यारे बच्चों यहां पर नोट देके मैंने ये बात लिखी है, कौन सा एल लेंथ जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर का स्केलर लेंथ नहीं होता, वेक्टर लेंथ होता है। मैंने अभी समझाया इसका मतलब, अभी फिर से समझा देता हूँ, मान लो कोई कंडक्टर इस तरह से है, लेंथ है, तो इसका जो ये यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होगा ये वेक्टर लेंथ है, ये लेंथ हम कंसिडर करेंगे ठीक है। तो हेयर एल मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा। दूसरा जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर, ये जो ऑप्टेन होगा ये भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ही होगा ठीक है, जैसे हमने लॉरेंट फोर्स में निकाला था ना, वैसे ही इसको भी हम फोर्स जो का जो यहाँ भी जो बिल साइन थीटा निकालते हैं उसमें भी जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लिख दिया फोर्थ फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को बताएगा तो थंब क्या देगा, फोर्स का डायरेक्शन देगा ठीक है। अब ये सब सारे चीजें तुमको क्लियर होगा यहाँ एक क्वेश्चन से, देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल फर्स्ट है, वहां न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है, एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह है 4.1 ठीक है। अब देखो स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट आई प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ये मान लो सपोज करो कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है सच दैट इट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन एयर ठीक है, इस तरह से है कि ये फ्रीली एयर में सस्पेंडेड है। कभी देखा मैग्नेटिक लेविटेशन, नहीं सर्कस वगैरह होता है तो क्या करता है पूरा एक जो जिस पर लेटा रहता है ना, मान लो एक बेंच है बेड है उस पर लेटा हुआ है, उसको क्या करता है ऊपर उठा ही लेता है पूरा। अब ये उठता कैसे, नीचे तो चुंबक लगा रहता है और ऊपर भी चुंबक रहता है, तो नीचे से ऐसे खींच करके ऊपर उठा देता है, सर्कस वगैरह में ऐसा होता है।
उसको कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। ठीक है, अब ऐसा ही कोई केस यहाँ, अब ऐसे एक मान लो करंट कैरिंग वायर है और नीचे नीचे हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है कि ये करंट कैरिंग वायर पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अब ऐसे फोर्स लगाने के लिए क्या करना होगा, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये करंट है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो ऐसे है, इससे क्रॉस्ड, ठीक है, चलो ऐसे क्रॉस्ड है, तो आई एल क्रॉस बी होता है बी, ठीक है, तो आई एल तो ये है और क्रॉस बी, ये मान लो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी मैंने बी, तो ऊपर की तरफ, और ये जो मैग्नेटिक जो अर्थ द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किस कैसे लग रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये जो समझाया ना मैं, तू समझेगा चुटकियों में समझ जाए, तुमको एक बार और प्ले करके समझना पड़ेगा, लाइव क्लासेस में होता तो बोलता सर एक बार और समझा दो, देख लो एक बार और समझ लो। यहाँ पर जो है ना करंट कैरिंग है, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ब्लू कलर, तो मैंने तुमको सिखाया है कि जिधर करंट फ्लो उधर फिंगर कर लो और उसका क्रॉस करो, तो तुम क्या देखते हो कि थंब जो है वो क्या करता है, फोर्स का डायरेक्शन क्रॉस किधर करना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, आई एल क्रॉस बी, तो आई एल तो इधर है और बी जो है ना ये है, तो इधर करेंगे तो फोर्स ऊपर। अब फोर्स ऊपर लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स जो है ना वो नीचे की तरफ लग रहा है, समझ में आई बात है, तो ग्रेविटी पुल जो है ना वो तो नीचे की तरफ है, और देखो ये मैग्नेटिक, अब ये दोनों जो फोर्स जब दोनों एक इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वायर जो होगा बैलेंस हो जाएगा एयर में, वैसे ही कुछ है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, अब ये फील्ड सच दैट इट इज फ्री सस्पेंडेड इन द एयर, इस तरह से रखा हुआ है, अभी पढ़ा था ना, स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट एल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द एयर, एयर में फ्रीली सस्पेंडेड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ मास ऑफ द वायर इज एम, ओके, तो मास तो एम है, तो एम मास है तो कितना लगेगा फोर्स, तो एम जी लगेगा, अच्छा एम जी लग गया फोर्स, तो आई एल क्रॉस बी से ऊपर एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ना अभी लगा रहे थे ना बिल साइन थीटा, उसके इक्वल होगा। अब देखो कैसे लगेगा वो देखो, मैग्नेटिक फील्ड ये है, मान लो सपोज करो लेट करो कि बी है, ओके, और वो किस किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, तो तुम देखोगे आई एल क्रॉस बी करे ना तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या करना है तुमको, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो हमने मान लिया कि बी है, ओके, अब बी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो हेयर हेयर फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन से, क्वेश्चन से अगर देखो तो क्वेश्चन ये जो होगा ना वो कितना होगा, एम जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम लिख देता हूँ मैं, और इसकी वैल्यू कितनी लिख लेंगे, आई एल क्रॉस बी, तो आई एल बी साइन थीटा, अब साइन थीटा यहाँ कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये तो अंदर, क्रॉस का क्या मतलब होता है, अंदर की तरफ, फिर से एक बार देख लो इसका फोर्स का डायरेक्शन, करंट इधर की तरफ है, ए से बी की तरफ है, करंट जो है ना वो ए से बी की तरफ है, अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ ही तो लगेगा फोर्स लगेगा। अब ये साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी बता मुझे, एम जी आई एल बी साइन 90 इक्वल टू क्या होगा 1, तो तुमको निकालना क्या है, बी, बी की वैल्यू निकालनी, तो बी इक्वल टू क्या होगा, एम जी अपॉन आई एल, और यही चीज तुमको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका मास 200 ग्राम है, ठीक है, आई की वैल्यू 0.2 एम्पियर है, लेंथ दिया हुआ है कुछ 200 सेंटीमीटर इस तरह का, अब इसको वैल्यू निकालना है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा किसमें, टेस्ला में, समझ में आई बात है, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बार बार, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब इस पर ना बेस्ट, जब हम दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर को रख देंगे, एंटी पैरेलल को रखेंगे, तो कितना फोर्स लगेगा और उससे एम्पियर्स की डेफिनेशन आती है, तो वो कैसे आएगी उसको फाइंड आउट, एम्पियर ने उसकी डेरिवेशन को, मतलब डेफिनेशन को डिराइव किया था, डेरिवेशन तो उसने स्टडी करी बहुत सारे लॉरेंट फोर्स वगैरह लगा करके, उसके बाद उसने 1 एम्पियर का डेफिनेशन निकाला था, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत पिन पॉइंट है, जैसे एम्पियर्स लॉ है ना, एम्पियर्स लॉ आते आते ब्रांड का है याद, बायोट सेवर्ट के बाद एम्पियर्स पढ़ा है, उसी तरह से ये भी है, ठीक है, तो कौन सा
वन एम्पियर का डेफिनेशन, ए भी मतलब वन एम्पियर का डेफिनेशन। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।